नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सभी ने सोच के वांट टू नो चैनल। दोस्तों मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ छपाक मूवी के बारे में। दोस्तों ये मूवी आप सभी को दिल से इमोशंस फील करने का मौका देती है और साथ ही साथ ये मूवी उन लोगों के एक जोरदार थप्पड़ लगाती है उनके जो लोग आज भी ऐसे ड्रग विक्टम्स को ही दोषी मानते हैं और उन्हें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करने से डरते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद है कि इस मूवी के माध्यम से उन ऐसे ड्रग विक्टम्स को थोड़ी पहचान मिलेगी सोसाइटी के अंदर और साथ ही साथ लोगों का उनके प्रति नज़रिया और थोड़ी सोच बदलेगी। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जिन्होंने 2018 में राजी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी हम सभी ऑडियंसेस को। अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो ये मूवी आपको शुरुआत के 15 मिनट बाद ही रुलाने का दम रखती है अगर आप इमोशनल पर्सन है तो। वहीं दोस्तों अगर बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी की स्टोरी रियल लाइफ विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर बेस्ड है, तो उनकी कहानी को इस मूवी के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से वो अपना कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिए हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर दिए और कैसे एंड में जाके इस मूवी के अंदर वो अपने केस को जीत जाती है। और साथ ही साथ उनकी लव स्टोरी को भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया गया है ताकि ये मूवी थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग लगे। और वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी को मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या है, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको मूवी देखने में मजा नहीं आएगा और मूवी का एनालाइजेशन आप आराम से कर लोगे, तो स्पॉइलर देने का तो सवाल नहीं बनता है इस मूवी का। हाँ, ये मूवी इमोशन से भरपूर है क्योंकि दोस्तों इस मूवी के अंदर दीपिका मैम ने अपने रोल को निभाने में बिल्कुल भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पर विक्रांत मैसी ने भी अपने रोल को सही से निभाया और उनके रोल भी काबिले तारीफ है। और इस मूवी के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कुछ रियल लाइफ विक्टम्स भी देखने को मिलेगी जो शायद तक आपको मूवी के इमोशन को सही से रियल लाइफ में फील कराने का एहसास कर। एट द एंड अगर आप इस मूवी के इमोशंस को फील कर पाते हो तो आपको मूवी के एंड के 10 सेकंड में देश की ऐसी हैवानियत सामने देखने को मिलेगी जो आपको हिला के रख देगी और थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर कर। एट द एंड माय ओपिनियन, आपके कुछ कमेंट्स दोस्तों, आई थिंक द मूवी इज गुड विद अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड गुड स्टोरी लाइन। पर वहीं पर दोस्तों ये मूवी उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जिनको हर मुद्दा हर सीरियस टॉपिक किसी लाउड म्यूजिक के नोट पर पसंद है देखना, जैसे कि अधिकतर इंडियन सिनेमाज के अंदर दिखाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी सीरियस टॉपिक हुआ, जैसे कोई रेप का हुआ टॉपिक या फिर कोई ऐसा इशू हुआ, तो उसको कोर्ट कचहरी वाला सीन दिखाएंगे बार बार, जिसके अंदर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई धम धम धूम धड़ा जैसा कोई सीन देखने को मिलेगा और कुछ बजने को मिलेगा ऐसा कुछ सीन, तो इस तरीके का कुछ दिखाया जाता है। पर इसलिए तो हमारी जो जनता है उसको इस तरीके की चीज़ें देखना पसंद आता है और इस वजह से शायद तक नहीं पसंद कर पाए वो, क्योंकि स्टोरी एकदम सिंपल एंड स्वीट और एक नॉर्मल एकदम सूदिंग तरीके से स्टोरी बताई गई है और कोर्ट कचहरी के सीन्स में भी कोई करके कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। और वहीं पर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं है शायद तक, इसलिए भी लोगों को ये कम पसंद आए मूवी। अगर बात करें तो मूवी बीच में थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन इतनी बोरिंग नहीं लगती कि आप लोग थिएटर को छोड़कर कहीं बाहर घूमने चले जाओ। लोगों का कमेंट्स में कहना है, तो हाँ दोस्तों याद है आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक शेयर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मेरी वीडियो को वायरल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एज ए न्यू यूट्यूबर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन की घंटी को दबा लेना ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दें। वहीं मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।